Hi dear students, I am Shinde sir, welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to study a English lesson of 4th standard Hindi medium from Maharashtra State Board. Today's lesson is Maya's Dream. Maya's Dream. Ab Maya is a name of person or dream. Dream ka matlab hai sapna. Maya ka sapna. Maya ka sapna kya hai? Hum yahan pe dekhne wale. So, फर्स्ट नंबर लिसन एंड रीड विथ मी, सुनो और मेरे साथ पढ़ो. आपको सुनना है और मेरे साथ पढ़ना है. तो देखते हैं हम कि माया का सपना क्या है. व्हाट इज मायास ड्रीम. हियर वी स्टार्ट. नाउ माया अ मिल्क मेड. मिल्क मेड मतलब दूध वाली. मिल्क मेड मतलब क्या होती है? दूध वाली. Was carrying अपने साथ लेके जा रही थी क्या? A pot of milk. अब उसके साथ क्या था? दूध का मटका था. And on her head. और दूध का मटका कहाँ पे था? उसके सिर के ऊपर. The milk was fresh. मिल्क कैसा था? ताजा था एकदम. मिल्क कैसा था? ताजा और क्रीमी. क्रीमी मतलब मक्खन. एकदम मक्खन वाला दूध था, फ्रेश एकदम. माया बिगेन टू ड्रीम और उस दूध को देखकर माया सपना देखने लगी. शी स्टार्टेड ड्रीमिंग. शी स्टार्टेड ड्रीमिंग. अब उसका सपना क्या था हम देखते हैं. देयर्स सो मच मिल्क इन द पॉट. यानी मेरे मटके में बहुत सारा दूध है. वो सोचने लगी, सपना देखने लगी. इट्स रिच एंड क्रीमी. इट्स रिच एंड क्रीमी यानी एकदम ताजा दूध है, एकदम क्रीमी जिससे बहुत सारा मक्खन निकल सकता है. सो आई विल, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आई विल. ओके, आई विल मेक. मैं बनाऊंगी. क्या बनाऊंगी? नाइस थिक दही. नाइस मतलब होता है, नाइस का मतलब होता है अच्छा या अच्छे. नाइस का मतलब क्या होता है? नाइस, एन आई सी ई. नाइस मीन्स अच्छा या अच्छी. ओके, और थिक, थिक का मतलब होता है गाढ़ा. थिक का मतलब होता है गाढ़ा. और दही, दही को इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड, सी यू आर डी. तो इस दूध से कैसे थिक नाइस यानी अच्छी सी गाढ़ी सी क्या बनेगी? दही बनेगी. विथ दिस मिल्क, इस दूध के साथ. देन और फिर आई विल चर्न इट एंड मेक बटर. आई विल चर्न, मैं इसे एक मटके में डालूंगी. चर मतलब एक धातु का मटका. धातु का मटका, एक धातु के मटके में डालूंगी यानी मिट्टी के मटके में. एंड चर्न, जैसे यहाँ पे ये पिक्चर दिखाया गया है. एंड आई विल मेक बटर, और मैं इसका बटर बनाऊंगी. बटर मतलब होता है माखन. बटर का मतलब क्या होता है? माखन. मैं इससे क्या बनाऊंगी? माखन. आई विल टेक द बटर टू द मार्केट, और ये मार्केट में मैं ले जाऊंगी क्या? बटर. आई विल टेक दिस बटर टू द मार्केट. मार्केट मतलब होता है बाजार. मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, विल कम टू बाय, आएंगे और खरीदेंगे. बाय मतलब खरीदना. द सॉफ्ट एंड टेस्टी बटर. अब सॉफ्ट का मतलब होता है नर्म. सॉफ्ट का मतलब होता है नर्म, और टेस्टी का मतलब होता है मजेदार. मजेदार या स्वादिष्ट भी कह सकते हैं. स्वादिष्ट, मजेदार या स्वादिष्ट बटर मक्खन खाएंगे और लेंगे. आई विल सेल इट एट अ गुड प्राइस. गुड मतलब अच्छी. गुड मतलब अच्छी, और प्राइस मतलब कीमत. अच्छी कीमत में मैं इसे बेचूंगी. आई विल सेल इट एट अ गुड प्राइस. अब
आई विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, और इसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। वॉट शाल आई डू विथ द मनी, और बहुत सारा पैसा मिलेगा तो मैं क्या करूंगी। अब ये माया ये सारी चीजें सपने में सोच रही थी, और वो दूध लेने गई थी तो दूध उसके साथ था सिर के ऊपर मटके में, और वो ये सपना देख रही थी। आई नो वॉट आई विल डू, मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। आई विल बाय अ गोल्डन ईयर रिंग, मैं क्या करूंगी, सोने की बाली। गोल्डन मतलब गोल्डन, ईयर रिंग मतलब सोने की बाली, और बाली को दूसरा झुमका भी कह सकते हैं। मैं सोने की बाली खरीदूंगी या सोने के झुमके खरीदूंगी। दे विल बी मच बेटर देन मीरास इयर रिंग, और मीरा नाम की दूसरी लड़की है वो भी दूध वाली है और उसके पास भी इयर रिंग्स है, लेकिन मैं जो सोने के बाली या झुमके खरीदूंगी वो मीरा के झुमके से भी अच्छे होंगे। शी इज ऑलवेज शोइंग ऑफ देम, वो हमेशा शोइंग ऑफ देम दिखाती रहती है, दिखाना, शोइंग ऑफ देम मतलब दिखाना, वो अपने झुमके हमेशा दिखाती रहती है। बट नाउ, लेकिन अब मीरा, जस्ट यू वेट, अब तुम देखती रहो, वो कहने लगी अपने ड्रीम में ही कि मीरा अब तुम देखती रहो। आई विल वेयर, मैं पहनूंगी देम एंड वॉक पास्ट हर लाइक दिस, पास्ट मतलब पास से, मैं ये सोने के झुमके खरीद कर उन्हें पहनूंगी और उसके पास से गुजरूंगी, उसके पास से मूव करूंगी। आई विल पास बाय हर। उसके बाद माया बिगन टू वॉक विथ हर हेड हेल्ड हाई, और माया क्या करने लगी, चलने लगी विथ हर हेड हेल्ड हाई, सर उठाकर, कैसे, सर, सॉरी, वो सर उठाकर चलने लगी, उसे घमंड आने लगा कि मेरे झुमके अच्छे, वो इमेजिन कर रही थी कि सच में हो रहा है। शी मूव्ड हर हेड स्लोली, और वो अपनी गर्दन धीरे धीरे मूव करने लगी, फ्रॉम साइड टू साइड, एक दिशा से दूसरी जगह, साइड टू साइड मतलब एक बाजू से दूसरी बाजू। द मिल्क इन हर पॉट रोल्ड जेंटली, अब जो दूध उसके पॉट में था, उसके घड़े में था, वो रोल्ड हो गया। इट हैज स्टार्टेड रोल्ड जेंटली, रोल्ड मतलब होता है लुढ़कने लगा। लुढ़कना, और जेंटली मतलब नरमी से, मतलब नरमी से, आसानी से वो दूध क्या होगा, छलकने लगा या लुढ़कने लगा। माया वेंट ऑन ड्रीमिंग, लेकिन माया सपना ही देखती रही, सपने में ही वो सारी चीजें वो इमेजिन करती रही, सोचती रही। व्हेन मीरा सी माय रिंग, और वो कहने लगी कि जब मीरा मेरे रिंग देखेगी, व्हेन शी विल सी माय रिंग शी विल गेट सरप्राइज, और वो हैरान हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मेरे रिंग देखकर हैरान हो जाएगी। शी विल गेट सरप्राइज, शी विल से, और वो कहेगी, ओ व्हाट अ लवली रिंग, मतलब कितने प्यारे झुमके हैं, रिंग है या बाली है। वेट, रुको माया, वेट, आई वॉन्ट टू सी योर रिंग, मैं तुम्हारे रिंग देखना चाहती हूं, ऐसे कौन कहेगी, मीरा कहेगी माया से। अब ये सब ड्रीमिंग, बट विल आई वेट, ओ नो, क्या मैं रुकूंगी, नो, वाई शुड आई, मैं क्यों रुकू, डज शी एवर वेट फॉर मी, क्या वो कभी मेरे लिए रुकी थी, नो शी नेवर, बट आई विल जस्ट टॉस माई हेड लाइक दिस, और मैं अपना सर, माई हेड, टॉस करूंगी, टॉस करना मतलब उछालना, मैं अपना सर क्या करूंगी, उछालूंगी। एंड माया टॉस्ड हर हेड, और उसने अपना सर उछाल दिया। सर उछालने के बाद विथ अ जर्क, जर्क मतलब मूर्ख, जर्क मतलब क्या होता है, मूर्ख, है ना। अब उसे यह भी ध्यान नहीं था कि उसके सर के ऊपर दूध का घड़ा है, और उसने अपना सर उछाल दिया। एंड व्हाट
एंड व्हाट्स दिस, और ये क्या हुआ, क्या हो गया, अवे फ्लू द पॉट ऑफ मिल्क. अवे, अवे फ्लू मतलब दूर जाकर, अवे मतलब दूर जाकर उसका मड़का क्या हुआ, फ्लू अवे, फ्लू द पॉट ऑफ मिल्क. आउट स्पिल्ड, स्पिल्ड मतलब छलक गया, उसका दूध छलकने लगा. फिर क्या हुआ, छलक गया तो मटकी टूट गई, जैसे हम ये पिक्चर में देख रहे हैं. नो मिल्क, नो दही, नो बटर एंड नो ईयरिंग. दूध भी नहीं, दही भी नहीं, मक्खन भी नहीं और ईयरिंग भी नहीं. एंड माया लॉस्ट हर ईयरिंग्स, और माया अपनी ईयरिंग्स खो बैठी. इवन बिफोर शी बॉट देम, खरीदने से पहले ही उसने अपना सपना चूर चूर कर दिया. उसका सपना जो बाली खरीदने का था सोने का, वो टूट गया क्योंकि उसका मटका फूट गया. सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज अ स्टोरी अबाउट माया सीयरिंग. अब हम क्वेश्चन नंबर वन हो गया, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं. गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स की मीनिंग बताना है. जैसे मैंने ऊपर बताया, मिल्क मेड मतलब दूध वाली, और चर्न मतलब घड़ा, मटका कहेंगे हम, है ना, मटका. और जर्क का मतलब होता है मूर्ख, क्या होता है, मूर्ख. और स्पिल्ड मतलब छलकना, स्पिल्ड मतलब छलकना, ये मीनिंग हो गए. सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स इन मायाज ड्रीम. माया ने सपने में जो भी सोचा वो स्टेप वाइज लिखना है. कहां से, मिल्क से लेकर इयररिंग तक. जब वो दूध लेने गई, दूध के बारे में उसने क्या सोचा, और इयररिंग लेते तक उसके साथ क्या क्या हुआ, वो वन बाय वन लिखना है. उसके बाद चूज एनी थ्री और फोर लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड इनेक्ट. इनेक्ट मतलब उन्हें एक्ट कर दिखाना है. इनेक्ट मतलब होता है अभिनय, एक्टिंग कर दिखाना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी. ये सारी चीजें क्या है, इट इज अ स्टोरी. ओके, नाउ नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है. यह एक छोटा सा सर्वे है. क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है, इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं. और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं. हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल. तो आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी. और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.